मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार दोपहर को उज्जैन आए और पत्नी साधना सिंह के साथ महाकाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश प्रकृति के पद पर निरंतर बढ़ता रहे, यही महाकाल बाबा से कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर को भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा उज्जैन पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा नेताओं और प्रशासन पहले कार्यों में मुख्यमंत्री की अगवानी कर स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पद पर बढ़ता रहे और प्रदेशवासी सुखी और समृद्धि से रहे, ऐसी कामना बाबा महाकाल से की है। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। आज महाकाल महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी कृपा से हम और तेजी के साथ आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश में जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपकी कृपा मध्य प्रदेश पर भी बरसे और पूरे देश पर भी बरसे और हमारी जनता सुखी रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। उज्जैन से यूडी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।